ऑटोमोबाइल से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो देयर गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर पॉपुलर एंड अमेजिंग टीवीएस अपाची 164V को लेकर, जिसमें मच नीडेड सेफ्टी फीचर ABS ऐड की गई है और जिसकी वजह से बाइक की प्राइस भी बढ़ गई है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस बाइक से जुड़ी सारी डिटेल्स। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। अपाची 160 हमेशा से TVS की बेस्ट सेलर रही है एंड इवन पल्सर 150 के बाद ये सेकंड बेस्ट सेलिंग बाइक है इस सेगमेंट की। और TVS की ये बेस्ट सेलर और भी बेटर हो गई है क्योंकि अब ये बाइक सिंगल चैनल ABS ऑप्शन के साथ अवेलेबल है और ये TVS की पहली बाइक है जो सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। और इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिगर अपाची में ABS नहीं है। अपाची 180, 200, 4V एंड RR310 सब में ABS है, बट ये सारी बाइक्स डुअल चैनल ABS ऑप्शन के साथ आती है। तो इसलिए मैंने ऐसा कहा कि 164V TVS की पहली बाइक है जिसमें सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन दिया गया है, जो कि सिर्फ फ्रंट व्हील पे ऑपरेशनल होती है। बट एज ऑफ नाउ ABS ऑप्शन 164V की A5 वेरिएंट में ही अवेलेबल है और जल्द ही कार्बोरेटेड वेरिएंट में भी ABS ऑफर की जाएगी। ABS इंक्लूजन की वजह से बाइक की प्राइस 7000 रुपीज बढ़ गई है और अब इसकी प्राइस 98809 रुपीज एक शोरूम दिल्ली है। कार्बोरेटेड वेरिएंट में ABS अभी अवेलेबल नहीं है, बट हम इसकी प्राइस 92000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि TVS की तरफ से ABS ऑफिशियली लॉन्च नहीं की गई है और इसकी कंफर्मेशन पुणे के डीलर्स द्वारा की गई है और वो बुकिंग्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ ABS वेरिएंट की बुकिंग कर पाएंगे क्योंकि 31 मार्च तक नॉन ABS वेरिएंट ही सेल पे होगी, जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित डेडलाइन है। और 1 अप्रैल से जो भी बाइक्स 150cc या उससे ऊपर की हैं उनमें ABS मैंडेटरी होगी और अपाची 164V ABS की डिलीवरी भी अप्रैल में ही स्टार्ट होगी। तो अभी आप सिर्फ बुकिंग कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, बाइक में कोई भी चेंज नहीं है। अपाची 164V लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, जिसे कंपनी ने बहुत बड़े बदलाव के साथ लॉन्च किया। इसकी स्टाइलिंग बिगर अपाची 200 से बोरो की गई है और इसकी शार्प डिजाइन बाइक को काफी मॉडर्न लुक एंड अपील देती है एंड इट्स अनडाउटली वन ऑफ द हॉटेस्ट मशीन इन 160cc कैटेगरी। बाइक की इंजन 160cc सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है, जो है 4 वेल्व की ऑयल कूल्ड 159cc इंजन, जहां A5 वर्जन 16.6 bhp की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है, वहीं कार्बोरेटेड वर्जन थोड़ी कम 16.2 bhp की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है, बट इन दोनों वेरिएंट की टॉर्क आउटपुट सेम 14.8 न्यूटन मीटर्स है और गियरबॉक्स 5 स्पीड की है। पुरानी RTR 160 में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाइब्रेशन को लेकर थी, वो इस न्यू 164V में बिल्कुल ना के बराबर है और थोड़ी सी वाइब्रेशन 9000 RPM के आसपास फील होती है, जो कि बहुत ही मिनिमल है। अपाची हमेशा से अपनी रॉ परफॉर्मेंस एंड फन हैंडलिंग के लिए जानी जाती है एंड द सेम DNA इज कैरिड फॉरवर्ड इन दिस मशीन टू। बाइक की कॉन्सोल ऑल डिजिटल है और ये भी 204V से ही बोरो की गई है। टैंक कैपेसिटी 12 लीटर्स की है एंड ऑफसेट टैंक कैप इज माय पर्सनल फेवरेट। ओवरऑल अपाची 164V एक कंप्लीट पैकेज है अपने इस सेगमेंट में। दोस्तों, ये थी अपडेट TVS अपाची 164V को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर। और कुछ जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड राइड सेफ।